सर आज ये इनकाउंटर हुआ है, कौन था और किस तरह का ये अपराधी था? देखिए अभी तो विस्तृत जानकारी मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, अभी अभी इसमें मैं अभी अभी मौके पर आया हूं, परंतु जो अभी अपने टीम से बातचीत करने के बाद पता चला है कि ये जो रेलवे ट्रैक के पास में करीब 5-6 लोग, करीब 6 लोग इन लोगों ने देखा है बता रहे हैं अंधेरे में, और उसमें फायर की एक्सचेंज हुआ है, और उसमें उनमें से एक व्यक्ति जो है गंभीर रूप से जख्मी भी हुआ है, और हमारे 3 लोगों को भी चोटें आई हैं, और सभी को रेफ़र किया गया है, मतलब और इलाज चल रहा है। बातचीत तो घायल जो अपराधी है उससे नहीं हो पाया है, परंतु उससे उसकी जमा तलाशी से एक आईडी प्रूफ मिला है, जिससे उसका नाम जो है हमज़ा और निवासी बांग्लादेश का ये पता चला है, जिसके नाम पे हम लोगों ने अभी इनाम भी घोषित कर रखा था, और जो पिछली मुठभेड़ हुई थी कुछ करीब 7-8 दिन पहले, उसमें उसके ग्रुप के जो है 2 लोग पकड़े गए थे, और उन्हीं के जो बयानों के अंतर्गत इसका नाम प्रकाश में आया था, और क्योंकि ये ग्रुप उस घटना के बाद लखनऊ से कहीं दूर चला गया था, परंतु इन ये पता चला था कि फिर से इनकी वापसी यहाँ पे हो गई है, और हम लोग इनके पीछे लगे हुए थे, और उसी के नतीजे से ये मुठभेड़ हुई है। तो और हम लोग अभी और इसमें विस्तृत कॉम्बिंग कर रहे हैं, क्योंकि रेलवे ट्रैक के बिल्कुल पास में है, और ये घटना के पश्चात 2 गाड़ी पास हो चुके हैं, 2 ट्रेन पास हो चुके हैं, तो हो सकता है वो लोग गाड़ी पकड़ के चले गए हो, शेष जो लोग थे गैंग के, तो परंतु फिर भी हम लोग थोड़ा श्योर होना चाहेंगे, कॉम्बिंग हम लोग कर रहे हैं। सर कितने बदमाश थे सर, कितने मतलब कितने पकड़े गए और कितने भागे हैं? देखिए ऐसा है, अभी तो एक ही व्यक्ति हम लोगों को गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला है, और ग्रुप के जो हमारी टीम है गोमती नगर प्रभारी निरीक्षक के अधीनस्थ, तो एक व्यक्ति ने 6 व्यक्ति को देखना बताया है, और देखिए ये तो बहुत क्लियरली हम लोग डेफिनेटली नहीं कह सकते कितने लोग थे, क्योंकि अंधेरे के समय है, और 5-6 लोग निश्चित रूप से थे और ज़्यादा भी हो सकते। सर कितने पुलिसकर्मी घायल हैं और बदमाश की कहाँ घूम गए? देखिए ये तो मैं तो अभी मौका नहीं देखा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ जहाँ पे रेफर किया गया है, परंतु एक बदमाश को गोली लगी है और 3 पुलिस वाले जख्मी हैं। सर ये तो हमजा है, ये बांग्लादेश गैंग का सरगना बताया जा रहा है, तो सर इस पर कितने का इनाम था ये बता दें।